आज सुबह में समाजवादी पार्टी और दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी है उनके अध्यक्षों की प्रेस वार्ता कर रहा था। अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हो या आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अब इनको जनता सुनना नहीं चाहती है तो अब ये प्रेस वार्ता करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। वो जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपने बात को मुझ मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, ये जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया। अन्ना हजारे जी ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, जिस अराजकता और जिस अविश्वास के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी कांग्रेस को आपने गले का हार बना करके आज जो पाप कर रहे हैं, अन्ना हजारे कभी आपको माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं माफ कर सकते हैं। और दूसरा कार्य, आप सत्ता में पहुंचे, भ्रष्टाचारियों को अपने इर्द गिर्द जमावड़ा कर दिए, अन्ना हजारे की आत्मा दुखित होती होगी कि मेरे आंदोलन की उपज किस प्रकार की नकारात्मक राजनीति करते हैं। और दिल्ली वासी इस बात के लिए परेशान है कि कम से कम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे तो उनकी खांसी बंद थी, अब फिर बाहर आ गए, अब दिल्ली वासियों को फिर खांसने के लिए मजबूर कर देंगे।